Hello everyone welcome to my channel this is priya bhargav today i am going to tell you about the test which is called problem behavior checklist it is your it is in your practical manual of m

स्कोरिंग उसकी कैसे करते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आपको बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मैं हूं आपकी हेल्प के लिए सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक प्रॉब्लम बिहेवियर चेकलिस्ट जो है ये उन बच्चों के लिए है जिनमें पेरेंट्स को प्रॉब्लम दिखाई देती है जहां पर बच्चों में कंडक्ट प्रॉब्लम्स होती हैं या इमोशनल प्रॉब्लम होती है बच्चा जल्दी से रोने लगता है या मिसबिहेव करता है बहुत ज्यादा जवाब बहुत ज्यादा देता है पेरेंट्स को तो डेवलपमेंट अपने एक आपका सब्जेक्ट है एम पी सी जीरो जीरो टू लाइफ लाइफस्पेन डेवलपमेंट उसी पे बेस्ड ये आ, चेकलिस्ट बनाई गई है उसी में उसमें आपने पढ़ा होगा कि इस एक पर्टिकुलर एज में बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं एंड कुछ जो बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं उनका वो लेवल चेक करने के लिए ये चेकलिस्ट होती है सो so, ये किसने बनाई क्यों बनाई ये सारी चीज़ें हम करेंगे जो आपको आपकी प्रैक्टिकल मैनुअल में लिखना होता है अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पूरी मैनुअल को एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने बताया है कि फाइल को कैसे बनाना है किस साइज़ का पेपर लगेगा वो सारा चीज़ तो प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच करना और एक एक प्रैक्टिकल कैसे करना है वो उनको वॉच करने के लिए आपको ये वीडियोज देखने पड़ेंगे स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर मेम्बर्स स्पेसिफिक मतलब ये उनको लिबर्टी है कि ये मैनुअल मुझसे सीख सके तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर हैविंग द मेम्बरशिप ऑफ माई चैनल नाउ लेट लेटर स्टार्ट विद दिस विमला वीर राघवन एंड अर्चना डोगरा ने टू थाउजेंड थ्री में कुछ इमोश इमोशनल एंड कंडक्ट प्रॉब्लम्स बच्चों में नोटिस किए आइडेंटिफाई किए और इन्होंने उन प्रॉब्लम्स को नोटिस करने के बाद टेन हंड्रेड आइटम्स हंड्रेड क्वेश्चन एयर तैयार किए बच्चों की एक्टिविटी को देखते हुए नॉट क्वेश्चन एयर एक्चुअली क्वेश्चन एयर मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन हैं वो पेरेंट्स से पूछे जाएंगे कि आपका बच्चा ऐसा करता है और किस लेवल का करता है तो उसके बेसिस पे फिर पेरेंट्स उसको ग्रेडिंग करते हैं या उसका लेवल बताते हैं सो दैट इज़ वाई मैं उसको क्वेश्चन बोल रही हूँ कि एक तरह से क्वेश्चन ही है जो हम पूछते हैं तो उन्होंने हंड्रेड आइटम्स तैयार किए जिसमें उन्होंने रेटिंग इस तरीके की रखी रेट रेटिंग स्केल है ये तो रेटिंग स्केल में क्या होता है थ्री पॉइंट स्केल है वन टू थ्री जो वन है वो होता है कि अगर बच्चे में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती टू मतलब एवरेज बच्चे में कुछ कुछ करती है एंड थ्री मतलब हाई मतलब बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है mm. तो ये वन टू थ्री की ग्रेडिंग है उसमें अब क्या हुआ कि अब हंड्रेड क्वेश्चन है इस चेकलिस्ट में नहीं इस इस चेकलिस्ट में ओनली फिफ्टी एट क्वेश्चन हैं फिफ्टी एट कैसे आए इन्होंने जो हंड्रेड आइटम्स बनाए थे हंड्रेड जो आइडेंटिफाई किए थे इमोशनल एंड कंडक्ट प्रॉब्लम्स, उनको इन्होंने ट्वेंटी फाइव साइकोलॉजिस्ट एंड ट्वेंटी फाइव से शेयर किया कि हमने ये ये लिस्ट डाउन किए हैं इनकी पूरी टीम बैठी जिसको इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड कहते हैं इन इन पचास लोगों की टीम बैठी ये पचास एक्सपर्ट थे ट्वेंटी फाइव साइकोलॉजिस्ट एंड ट्वेंटी फाइव साइकेट्रिस्ट्स इनकी टीम बैठ के इन्होंने इन पचास एक्सपर्ट्स ने उन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया एंड इन सब ने फिफ्टी फिफ्टी आइटम्स आउट ऑफ हंड्रेड ऐसे सिलेक्ट किए जिसका ये प्रॉब्लम बिहेवियर चेकलिस्ट फाइनली तैयार हुई क्योंकि 58 ऐसे क्वेश्चंस थे जो इन पचासों ने थम्स अप किया इनके लिए सो so, अब उसमें जो इन्होंने ग्रेडिंग किया वो ऐसे किया मोस्ट ऑफन ओकेशनली नेवर तो नो no के लिए नेवर आ गया ओकेशनली मतलब एवरेज एंड मोस्ट ऑफन मतलब हाई इस तरह से एंड उसकी ग्रेडिंग वही है जो मैंने पहले बताई कि नेवर uh, में जीरो लगाएंगे ओकेशनली में टू सॉरी नेवर में वन लगाएंगे ओकेशनली में टू लगाएंगे एंड मोस्ट ऑफन में थ्री लगाएंगे ओके okay. अब इन्होंने किसके ऊपर ये टेस्ट करके पता किया कि जो इन्होंने क्वेश्चनर तैयार किया है बिल्कुल सही है उसको टेस्ट भी तो किया जाता है तभी तो ये पब्लिक में सबके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो इन्होंने 300 हंड्रेड मैरिड कपल लिए सो 300 हंड्रेड कपल में से 300 कपल जो थे वो नॉर्मल पॉपुलेशन में से लिए तो so, 300 कपल का मतलब होता सिक्स लोग टोटल सिक्स हंड्रेड क्योंकि कपल में क्या आता है हस्बैंड वाइफ मतलब वन कपल में हम दो लोगों को काउंट करते हैं तो ऐसे करके थ्री हंड्रेड मैरिड कपल जो नॉर्मल पॉपुलेशन uh, से लिए नॉर्मल मतलब जिनका कोई डिक्लेयर्ड आइडेंटिफिकेशन uh, नहीं है कि इनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो नॉर्मल पॉपुलेशन मानी जाती है सो so, वो सिक्स लोग हो गए हंड्रेड ऐसे कपल्स लिए जिनमें साइकियाट्रिक या पैथोलॉजिकल पॉपुलेशन uh, uh, के थे मतलब जिनको ऑलरेडी कुछ डायग्नोसिस था कि कुछ प्रॉब्लम है उनमें तो वो हंड्रेड कपल के कितने लोग बन गए टू हंड्रेड बन गए क्योंकि कपल में दो लोग आते हैं सो so, टोटल कितने हो गए टोटल एट हंड्रेड लोग हो गए जिनके ऊपर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया मतलब फोर हंड्रेड कपल्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें से थ्री हंड्रेड नॉर्मल पॉपुलेशन में से थे और हंड्रेड साइकेट्रिक पॉपुलेशन में से थे सो so, uh, और उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी भी चेक की गई अब इस पूरे टेस्ट में क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको मैनुअल से समझाऊंगी नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम बिहेवियर चेकलिस्ट जो विमला वी वीर राघवन एंड अर्चना डोगरा इन दोनों ने मिलके जो बनाई थी जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसी के बारे में मैं आपको पूरा समझाने वाली हूँ पूरी मैनुअल में क्या दिया हुआ है इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर और मैंने ये पहले से पढ़ के अंडरलाइन किया है तो मैं अंडरलाइन पोर्शन ही आपको एक्सप्लेन करूँगी कई जगह पर रिपीटेशन भी होगा सो so, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर जो होते हैं वो बच्चों में एडोलेसेंस अडुल, में तो देखे जाते हैं बट बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है वो इसीलिए भी होते हैं क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या पेरेंट्स में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आती है तो बच्चों की जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है अगर पेरेंट्स में कुछ इशूस चल रहे हों तो बहुत तरह के डिसऑर्डर्स हैं बच्चे बहुत हद तक डिपेंड करते हैं अपनी फैमिली पे और स्पेसिफिकली अपनी मदर पे क्यों डिपेंड करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे सिक्योर फील होता है माँ के पास वो स्टेबल फ़ील करते हैं एक फैमिली इन्वायरमेंट उनके लिए एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है एंड देन इमोशनल बॉन्ड जो होता है उनका वो माँ से ज़्यादा होता है उनको एक्सेप्टेंस की फीलिंग आती है कि फैमिली मुझे एक्सेप्ट करती है एंड एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन बच्चों में डालना भी पेरेंटिंग का एक रोल है जहाँ पर पे अगर पेरेंट्स फेल हो जाए तो बच्चे में आपको क्लैश नज़र आते हैं बच्चे में कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जो हट के होती हैं तो ये चीज़ें इमोशनल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स क्रिएट कर देती हैं बच्चों में सो so, जब हम इसको एसेस करते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स का हमें इंटरव्यू लेना पड़ता है जब ये किया टेस्ट बनाया होगा तो बहुत सारे पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने के बाद चेकलिस्ट तैयार की गई एंड देन फिर जब हमें ये पेरेंट्स से ये चेकलिस्ट मिल जाती है तो क्लियर का डायग्नोसिस होने में बहुत हेल्प होती है ऐसा बहुत सारे स्पेशलिस्ट कहते हैं जैसे कि हॉलैंड कैंडल बर्गेस बर्गस एंड स्किनमेंट इन सब ने ये चीज़ बताई है सो so, कॉमन जो असेसमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं वो सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर होता है सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर मतलब हम खुद ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर सो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन उसका रिप्लाई करते हैं सो so, ये सबसे ज़्यादा कॉमन असेसमेंट टेक्निक होती है अगेन uh, uh, ये इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि जिसमें अलग अलग बिहेवियर जो होते हैं डिफरेंट तरह के डिसफंक्शन होते हैं बिहेवियर में वो सारे हमें आइडेंटिफाई हो सकते हैं नाउ uh, साइकोपैथोलॉजी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि साइकोपैथोलॉजी uh, में भी हमने ये देखा है कि बहुत uh, बहुत ज्यादा रिलेशन है कितना बच्चा किस तरह का बिहेव कर रहा है मतलब चेकलिस्ट में अगर उसका हाइयर ग्रेड आता है तो साइकोपैथोलॉजी का शिकार शिकार होता है बच्चा चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट करके भी एक चेकलिस्ट है जो बच्चों में बिहेवियर मिसकंडक्ट uh, चेक करती है बिहेवियर प्रॉब्लम चेकलिस्ट जो आज हम सीख रहे हैं वो ये uh, बताएगी हमें कि बच्चे का बिहेवियर का डायमेंशन कैसा है मतलब ज़्यादा है कर, बीच का है क्या, या खराब है और uh, उसको हम एक नॉर्मल पॉपुलेशन का जो बच्चा होता है नॉर्मल पॉपुलेशन से आने वाला जो बच्चा होता है उसके बिहेवियर से हम कंपेयर करते हैं नॉ डेवलपमेंट ऑफ द चेकलिस्ट ये चेकलिस्ट बनी कैसे ये सब आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना पड़ेगा दैट इज़ वाई मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसको सो so दैट आप फिल्टर करके अपनी लैंग्वेज में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके आ, ये हम इमोशनल एंड कंडक्ट प्रॉब्लम जो बच्चे में होती है उसको डायग्नोज करने के लिए ये चेकलिस्ट बनाई गई थी जैसे मैंने बताया हंड्रेड आइटम्स थे उसको फिफ्टी में कन्वर्ट किया गया कैसे किया गया ये भी बताया मैंने uh, Okay. क्या उसके ग्रेडिंग था ये भी बताया तो हम इसको स्किप करेंगे थोड़ा जल्दी चलेंगे इसमें ये भी मैंने बताया था पॉपुलेशन कौन कौन सी होती हैं कितने 300 मैरिड कपल लिए थे नॉर्मल पॉपुलेशन से 100 साइकेट्रिक पॉपुलेशन से लिए थे तो ये सारी चीजें वही हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें ये भी मैंने ग्रेडिंग बताई थी कि हाई अगर कोई बिहेवियर दिख रहा है तो उसको थ्री मार्क्स देंगे एवरेज है तो टू एंड नो प्रॉब्लम है तो वन देंगे तो इसका जो टोटल काउंट आएगा जब हम इसके क्वेश्चन के आंसर्स के ग्रेडिंग करेंगे तो टोटल फिफ्टी से लेके वन भी जाएगा क्योंकि 58 क्वेश्चंस हैं 58 में सब में अगर आप 1111 डालते तो 58 1 इज 58 अगर सब में 3333 डालते सब सपोज सारे जितने 58 क्वेश्चंस में ही 33 ग्रेड देते हैं तो 58 3 इज 174 दैट इज व्हाई इस रेंज के बीच में ही आपका जो काउंट uh, है वो लाई करेगा जिस भी बच्चे के ऊपर जिस बच्चे के लिए आप कर रहे होंगे ये चेक क्योंकि उनके पेरेंट्स देंगे ये टेस्ट ध्यान रखना है इस बात का बच्चा नहीं देगा तो हायर uh, स्कोर अगर आता है मतलब 174 की तरफ आता है मतलब कि बच्चे में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है लो स्कोर आता है तो बच्चे में वो प्रॉब्लम बहुत कम है या ना नहीं एग्जिस्ट करती है नाउ स्टैंडर्डाइजेशन इसको स्टैंडर्डाइज कैसे किया गया जैसे कि मैंने आपको बताया था थ्री हंड्रेड मैरिड कपल थे एंड हंड्रेड्रिक साइकियट्रिक कपल थे सो फादर थ्री हंड्रेड मदर थ्री हंड्रेड टोटल सिक्स हंड्रेड हो गए फादर हंड्रेड मदर हंड्रेड टू हंड्रेड हो गए तो टोटल एट हंड्रेड हो गए इसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हमने टेस्ट री टेस्ट लगाया एंड स्प्लिट हाफ लगाया टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है एक बारी टेस्ट लिया उसके बाद कुछ पीरियड के बाद फिर से टेस्ट लिया उसको टेस्ट रीटेस्ट कहते हैं रिलायबिलिटी चेक करने का तरीका उससे अगर दोनों बारी सेम रिजल्ट आता है तो वो इतना परसेंट रिलायबल निकला जीरो मतलब एट्टी फाइव परसेंट रिलायबल टेस्ट निकला ये नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर और साइकेट्रिक पॉपुलेशन के ऊपर एट्टी रिलायबल निकला स्प्लिट हाफ का मतलब है आधा टेस्ट आपने पहले लिया एंड बचा हुआ आधा बाद में लिया एंड उसके बाद उन दोनों का रिजल्ट जब मिलाया तो उसकी रिलायबिलिटी आई मतलब कितना बढ़िया टेस्ट है ये वो आया 81% परसेंट नॉर्मल पॉपुलेशन में एंड 72% टू परसेंट पॉपुलेशन में क्लियर सो so डेसिमल लगाने का यही है कि वो परसेंटेज में नहीं बताया गया इसको ऐसे ही बताया है तो बट आपको लिखना है ऐसे ही है फाइल में आपको परसेंटेज बना के नहीं लिखना समझने के लिए आप कर सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रही हूं क्योंकि ये आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन इसीलिए मैं इसमें एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ कि इसका क्या मतलब है जीरो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि हंड्रेड बार अगर आप ये टेस्ट करेंगे तो वन परसेंट बार हंड्रेड में से एक बार ये होगा कि ये गलत रिजल्ट देगा अदरवाइज नाइनटी टाइम्स से अच्छा सही रिजल्ट देगा नाउ कमिंग टू वैलिडिटी वैलिडिटी में इसमें दो तरह की वैलिडिटीज इन्होंने अप्लाई की है एक फेस वैलिडिटी अप्लाई की है और दूसरी कॉन्टेंट वैलिडिटी अप्लाई की है ना वॉट इज फेस वैलिडिटी एंड वॉट इज कॉन्टेंट वैलिडिटी फेस वैलिडिटी का मतलब होता है जब हमने ये फेस टू फेस ये टेस्ट लिया था तो कपल्स के ऊपर कपल को दिए थे वो कुछ एक्लिस्ट एंड उनको उनके इंट, इंटेंसिव इंटरव्यू किए थे एंड देन उसके बेसिस पे हमने बिहेवियर uh, प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर जो उन्होंने परसीव की उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उस पर लगाया मार्क और वो कितना वैलिड था कि मतलब ऑब्वियसली कोई बच्चा अगर मिसकंडक्ट करता है तो पेरेंट्स से ज़्यादा कौन उसको जानेगा तो इसीलिए पेरेंट्स से ही हमने पूछा था तो इसको बोलते हैं फेस वैलिडिटी मतलब जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उसी उसी चीज़ के लिए ये टेस्ट बना है तो ये फेस वैलिडिटी हो गई ना कंटेंट वैलिडिटी का मतलब है कि जब हमने ये फिफ्टी हंड्रेड में से फिफ्टी एट कॉन्टेंट डिसाइड किए थे कि हंड्रेड क्वेश्चन में से फिफ्टी एट ही सिलेक्ट किए हैं चेकलिस्ट के लिए तो वो हमने फिफ्टी एक्सपर्ट्स से एक्सेप्टेंस ली थी हंड्रेड परसेंट एक्सेप्टेंस ली थी कि जो क्वेश्चन हम डाल रहे हैं वो वैलिड हैं इस टेस्ट के लिए तो ये कंटेंट वैलिडिटी होती है कि ऐसे एक्सपर्ट को दिखाना जो ये बता सकें कि हमने ये क्वेश्चन इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम बच्चों में जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उसके लिए अप्लाई किया है और एक्सपर्ट्स अगर उस क्वेश्चन को ओके okay बोल देते हैं हंड्रेड परसेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट मीन्स वो बहुत वैलिड टेस्ट है बच्चों के बिहेवियर के लिए तो वो कॉन्टेंट वैलिडिटी होती है मतलब उसमें जो सामान डाला हुआ है वो सही है वैलिड है क्वेश्चन जो डाले गए हैं वो वैलिड हैं सही हैं सो so ये दो तरह की वैलिडिटी पे इसको टेस्ट किया गया है एंड देन स्टैटिस्टिकल रिजल्ट ये तो सिर्फ आपको फाइल में लिखना है बाकी आपको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बाकी भी कॉपी पेस्ट का ही काम है लेकिन आपको पता होना चाहिए जितना मैं समझा रही हूँ उतना ये कोई नहीं पूछता बस ये है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं मीन कितना आया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो सकता है वो सब है नाउ कमिंग टू टू दिस टेबल ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपको लर्न नहीं करनी लेकिन इसी से ही आप स्कोर निकाल के रिज़ल्ट बताएंगे इंटरप्रिटेशन आपको इन्हीं इन्हीं टेबल से करना है और एक इस टेबल से करना है टेबल नंबर सिक्स सो इसमें अगर आप देखेंगे इस टेबल को अगर मैं थोड़ा सा और छोटा करके आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे रेंज दी हुई है ये प्लस की है माइनस की आपने नंबर uh, लाइन तो पढ़ी होगी ज़ीरो के लेफ्ट साइड में माइनस होता है और ज़ीरो के राइट right साइड में प्लस की वैल्यू होती है तो माइनस से प्लस की तरफ वैल्यू उसकी जो वैल्यू होती है हो, वो बढ़ती जाती है नंबर की सो माइनस टू पॉइंट जीरो वन एंड बिलो मतलब एक्सट्रीमली लो प्रॉब्लम बिहेवियर हो जाएगा माइनस में बच्चे में प्रॉब्लम कम है ना के बराबर है एंड जैसे ही वो पॉजिटिव की साइड जाएगा मतलब हाइयर होगा तो उसी के बेसिस पे देखिए यहाँ ग्रेडिंग है जो सबसे ज़्यादा 2.01 पॉइंट जीरो वन एंड अबव है मतलब एक्सट्रीमली हाई प्रॉब्लम बिहेवियर तो ए ग्रेड होगा अगर प्लस वन पॉइंट टू सिक्स से लेके प्लस टू के बीच में आ रही है आपकी कैलकुलेशन वो कैसे आएगी वो मैं आपको बताऊंगी अभी फ़िलहाल आप ये रेंज समझ लें वो बी माना जाएगा हाई प्रॉब्लम बिहेवियर ऐसे ही ये पूरी रेंज है उसके हिसाब से आपको ग्रेडिंग करना है और ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है वो यहाँ लिखा हुआ है नाउ कमिंग टू ये तो मैंने बता दिया था वैलिडिटी आगे ये रेफरेंसेस आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं रेफरेंसेस मतलब कहाँ कहाँ से उठाया है नाउ ये क्वेश्चन एयर आ गया क्वेश्चन एयर में आपको डिटेल ले, लेना होता है सब्जेक्ट का बच्चे का नाम लिख लिया फैमिली किस तरह की फैमिली है टाइप ऑफ फैमिली का मतलब न्यूक्लियर फैमिली है कि कंबाइंड फैमिली है नंबर ऑफ सिबलिंग्स भाई बहन कितने हैं उसके देन एजुकेशनल लेवल ऑफ फ़ादर मदर इन सबका ये सारा कुछ ले लेंगे अब हम पेरेंट्स से लेंगे और उनको आ, ये क्वेश्चन पूछते जाएंगे और वो बताते जाएंगे ये ऐसा बच्चा जैसे फियर ऑफ एनिमल्स बच्चा ज़्यादातर डरता है कभी कभी डरता है या कभी नहीं डरता है उसके हिसाब से एंड देन उसका जो स्कोर आएगा आप यहाँ लिखते जाएंगे ऐसे करके सारे क्वेश्चन आप पूछते जाएंगे जैसे फ अटेंशन कितनी है बहुत ज़्यादा है कैसा कैसा सो so, उसका भी आप यहाँ लिखते जाएंगे एंड उसका टोटल स्कोर आप हर एक शीट का डालते जाएंगे ये जितने भी स्कोर आएंगे टोटल आप यहाँ पे टोटल कर लेंगे सपोज किसी का वन आएगा किसी का टू होगा किसी का थ्री होगा है ना वन टू थ्री ऐसे सपोज आपने कुछ कैलकुलेट कर लिया और आपका यहाँ पे रेंज आ गई सपोज uh, आपकी रेंज आती है हंड्रेड हंड्रेड आ जाता है टोटल इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तो अब आप ऊपर जाएंगे फिर से और इससे ऊपर जाएंगे टेबल नंबर सिक्स के ऊपर जाएंगे अब आप यहाँ पे हंड्रेड रॉ स्कोर जो आपने निकाला है दैट इज कॉल्ड रॉ स्कोर तो सपोज हंड्रेड आया था अब हंड्रेड का जी क्या है जी वैल्यू क्या है जी जेड स्कोर क्या है तो देखिए ये वाली लाइन का ये है सेकेंड वाला रॉ स्कोर का ये है इस तरह से आपको समझना है ठीक है फोर रोज हैं और फोर का सामने जेड स्कोर दिया हुआ है तो ये हंड्रेड है इसका क्या आ रहा है माइनस वन पॉइंट टू थ्री आ रहा है है ना हंड्रेड के सामने क्या लिखा है अगर मैं बड़ा करूँ हंड्रेड के सामने क्या लिखा है माइनस वन पॉइंट टू थ्री अब हम माइनस वन पॉइंट टू थ्री यहाँ ढूंढेंगे माइनस वन पॉइंट टू फाइव है और टू फाइव से बढ़ के ये वैल्यू आ रही है मतलब यहाँ नहीं आएगा माइनस वन पॉइंट टू थ्री मतलब वन देखिए ये माइनस टू है और ये है माइनस वन पॉइंट टू सिक्स मतलब वन पॉइंट टू थ्री कम होगा इस रेंज में आएगा मतलब एफ एफ ग्रेड है एफ ग्रेड का क्या मतलब है लो प्रॉब्लम बिहेवियर सो इस तरह से आपको इसका इंटरप्रिटेशन uh, करके कंक्लूजन निकालना है कि बच्चे में चाइल्ड हैज़ लो प्रॉब्लम बिहेवियर एज़ इट्स हिज स्कोर इज दिस वन एंड रॉ स्कोर इज हंड्रेड इट्स जेड स्कोर इज जो हमने निकाला था माइनस वन पॉइंट टू थ्री एंड माइनस वन पॉइंट टू थ्री लाइज बिटवीन माइनस टू टू माइनस वन पॉइंट टू सिक्स विच इज़ एफ़ ट मींस नो प्रॉब्लम बिहेवियर सो इस तरह से आपको कंक्लूजन निकाल के लिखना पड़ेगा और ये पूरा क्वेश्चन एयर आपको प्रिंटआउट करके जब आप पूरा इसको फिल करवा लेंगे टेस्ट ले लेंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर तो ये फिल्ड चाहिए है और जो आपको आपकी आंसर uh, बुकलेट में लगाना पड़ेगा प्रैक्टिकल uh, बुकलेट में सो so, गाइज uh, आप मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ आप चाहें तो इसको टाइप भी कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको टाइप नहीं होना और आपको ये सेम पी uh, डी फाइल चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बट इट विल बी अ पेड अफेयर हंड्रेड रुपीज़ में ये आपको मैनुअल के साथ ये पूरा मिल जाएगा सो so, uh, मैं फिर भी धीरे धीरे मूव कर रही हूँ सो दैट अगर आपको खुद से टाइप करना है तो आप इसका वीडियो को रोक के इसको टाइप भी कर सकते हैं सो so, ये मैं धीरे धीरे मूव कर रही हूं सो so दैट आप स्क्रीन को स्टॉप करके इसको टाइप भी कर सकते हैं ये देखिए ये फर्स्ट हो गया पार्ट ये जरूरी नहीं है कि आप लिखें ये हो गया देना ट्वेल्व के बाद से ये हो गया फिर ट्वेंटी फाइव तक ट्वेंटी सिक्स से ट्वेंटी सेवन दैन थर्टी थर्टी फाइव थर्टी सेवन फोर्टी नाइन फिफ्टी एट ओके सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा इसकी स्कोरिंग समझ आ गई होगी एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे uh, Keep watching and thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like, and share my channel with remaining students. Bye bye.